राजकीय कृत प्राथमिक विद्यालय भुआलपट्टी कन्या में मवेशियों के साथ बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं बच्चे, मुखिया ने की कार्रवाई की मांग। स्कूलों में सर्व शिक्षा अभियान के तहत पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर ठकराहा प्रखंड क्षेत्र के राजकीय कृत प्राथमिक विद्यालय भुआलपट्टी कन्या में विद्यालय भवन के अभाव में पठन पाठन के नाम पर शिक्षक महज औपचारिकता पूरी कर रहे हैं, क्योंकि कुछ ही वर्षों पहले बना विद्यालय का भवन जर्जर स्थिति में होने के कारण भवन का प्रयोग शैक्षणिक कार्यों के बजाय ग्रामीणों के द्वारा मवेशियों के अस्तबल के रूप में किया जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार भवन निर्माण के दौरान बरती गई अनियमितता और लूट खसोट के भेंट चढ़ा यह विद्यालय भवन अब तक शिक्षा विभाग को सुपुर्द नहीं किया गया है। उधर जर्जर होने की वजह से बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर उक्त भवन में बैठाना शिक्षक मुनासिब नहीं समझते, जिसका प्रयोग ग्रामीण मवेशियों के अस्तबल के रूप में कर रहे हैं। तो वही कुछ लोग इस भवन को जुआ और नशाखोरी का अड्डा बना चुके हैं, जबकि उक्त भवन के सटे पुराने भवन में विद्यालय का संचालन हो रहा है। इस परिवेश में बच्चों पर इसके अनुकूल असर से इनकार नहीं किया जा सकता। रविवार को मीडिया वार्ता के दौरान मुखिया रूपेश चौधरी ने इसे शिक्षा विभाग की घोर लापरवाही बताया तथा जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। है जो कि बाउंड्री नहीं है, इसलिए गांव के रहते हैं।